नमस्कार अर्गस ग्राउंड जीरो को स्वागत करछु मिनलीमा। ई ग्राउंड जीरो रे होछि बिग एक्सपोज कारण आमे कथा होछे एसएफ सौम्य रंजन कर 12:30 रे सौम्यक क्वार्टर को डीएफओ जाउथबार कथा देखिथिले तत्कालीन जे रहिथिले सिक्युरिटी पर्सन एवं एकथा से ड्राइवर एवं मालिक को जनाइथिले एवं एकथा से माने डीएफओ को जनाइबा परे तांकर चाकरी होइतला बदली एभले एक बड़ खुलासा आज होइछि। तबे प्रश्न उठुछि जदि सब किछि कथा डीएफओ को विरोध रे जाउछि तले को परिस्थिति रे बिना तदंत रे सेतेबळ रे जे क्लेसपी तांको क्लीन चिट देइथिले अन्य पडे जो तदंत करा जाउछि क्राइम ब्रांच रो तदंत दिगो रहउतबा कथा तांको परिवार लोके काहे कि अभिजोग करछन्ती जदि सब किछि ठीक ठाक चलिछि विद्या भारती को एभले जेरा करिबार माने कौन बोली सौम्यों बापा अभिराम महापात्र प्रश्न उठाई जो पर्यंत विद्या को पचरा उचरा कर गिरफ्त कर से पर्यंत कौन सी कथा सामना को आसी पारिबो नाही कारण ये घटनार मूल कड़ी होती विद्या भारती एवं डीएफओ संग्राम केसरी कितु कथा उठू कहीं से पर्यंत तदंत परिसर भुक्त कराऊनी केवल जेरा करी छड़ा जाउछि पूर्वर जहाँ रही है कि 70 प्रश्न से विद्या भारती को पचरा जाता तेज 70 प्रश्न में एसएफ को मृत्यु नहीं किसी पचरा जाना केवल आईओएस बाहर को केवल सूचना ही 70 प्रश्न कथा कही क्राइम ब्रांच ए संपर्क में आम सहित आलोचना करने रही विभूति भूषण चौधरी वरिष्ठ आईनजीवी रही सीता चौधरी आपको स्वागत करुच्छी आलोचना को सीता चौधरी पुलिस उपरे भरोसा नथिला एबे क्राइम ब्रांच उपरे भी भरोसा नाही एकमात्र भरोसा करछन्ती सौम्यक परिवार सीबीआई तदंत उपरे किंतु प्रश्न उठुची कि तदंत जो भली भाबरे जाउची क्राइम ब्रांच रो तदंत साप मरिबो बाडी भांगी बनी अर्थात तदंत तदंत भली होउची किंतु आ भितरे कोनसी प्रकार जिस्ट सामना को आसीबो बा कोनसी निष्कर्ष रे क्राइम ब्रांच पहुचिबो एकदा के विश्वास करि पारनाती सीतो चौधरी आउ थरे कहबे कि दया करि मु सुनी पाले ने अपन कथा चौधरी एसएफ सौम्यरंजन महापात्र मृत्यु मामला परिवार लोके पुलिस रो तदंत पर भरोसा करनथिले एबे क्राइम ब्रांच उपर तदंत रो भरोसा नै तांको परिवार लोकंकर गुटी कथा से कहउचंती कि विद्या भारती को जो पर्यंत गिरफ करा जाय नै कोनोसी कथा सामना को आसी परिबनी पूरा घटना रो मूल कडी होचंती विद्या भारती अन्य पटे क्राइम ब्रांच रो तदंत दिगहरा लगुची जहाँ समस्त अभियोग कर लोक अभियोग कर आ भितरे प्रश्न उठुची क्राइम ब्रांच केते दूर सफल हम गोटे निष्कर्ष पहुँचापी देखो तो क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन आगे चली आरंभ रु देखिए से रोशिया को जेरा कर डाक्तर मान को पचरा उचरा कर विद्या भारती घरे 6 घंटार ऊर्ध काल जेरा कर सो क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन गति आम कहीपर ठीक लाइन में चली पुलिस फेल मारिगला राज्य सरकार क्राइम ब्रांच को दायित्व न्यस्त दे भावुची क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन जाउची ठीक रास्त कि अदृश्य शक्ति किसी चाप पड़ू जहाँ फल लास्ट 8 दिन हम यहाँ बंद था इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसेस स्पीड रे चलिया कथा आगे पारना परे परे प्रेशर पुनश्चर पर पड़ा गणमाध्यम तरफ एवं पुणी क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन फर्दर प्रोसीड कले से विद्या भारती जेरा कले सो कथा आसरे जो मैंने संश्लिष्ट तुरंत जेरा करने को पड़ो जदि क्या एगेनेस्ट इनफर्मेशन कंक्रीट प्राइमाफेसा एविडेन्स अच्छी अप्रिहेंड कर आरेस्ट कर किसी क्षति ना दैट इज द प्रोसेस सो इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसेस क्राइम ब्रांच फॉलो करुची वर्तमान सुधा कि तथा मुझे जो क्राइम ब्रांच उपर कि प्रेसर थी भाया प्रत्ययमान हो गोटे कथा आसो मैंने डीएफओ कथा कहतु जे कि आरंभ रू ही मना करते से जगह को जा ना देखी ना जहा गणमाध्यम रिपोर्ट आसाला तापर पुलिस पारलाखेमुंड एसपी निजे क्लीन चिट दे परवर्ती पर्यायर जी आप देखिए सी गोटे वीडियो वायरल होता जो थे कि मेडिकल से बसी थे सो सी सबर्डिनेट ऑफिसर को सहयोग करने को जाते कि सेठी प्रोसेस डाइल्यूट करने को जाते कि कौन पर जो पचरा उचरा करपष्ट होता विषय किसी इनफर्मेसन आसी था कि क्राइम ब्रांच अधिकारी मैंने कहले दरकार पॉलीग्राफिक टेस्ट हम कि डेरी कहीं हूँ प्राय क्राइम ब्रांच अधिकारी मैंने कौन चापरे अच्छा कि चापरे था बापा जहा कहते एक सत्य होता है सांघातिक कहीं बाप को पर लोक सौम्य पर लोक क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन टीम जेरा कर सो जेरा पर तथ्य नहीं सौम्य वाइफ की भी जेरा है तो कथा आसमान समस्त को सामना सामनी बस पचार किए संपृक्त देखो
कथा उठु जी ए पर्यंत जी घटनार मुख्य अभियुक्त बोली सौम्यों परिवार लोके अभियोग करुछंती कि डीएफओ एवं विद्या भारती ए पर्यंत ए दुई जन को काहे कि सामना सामनी बसई पचरा उचरा करनी क्राइम ब्रांच तो तदंत करछि निश्चित भाव रे जो हिसाब रे तदंत करबा कथा जेमते आपण कहले जो प्रोसीजर मेंटेन करबा कथा गोटे परे गोटे तात करुछि किंतु कथा उठु जी केवल एटा आईओएस पाइन हे तो शिवानंद रहिछंती आमा साथ रे मो सहयोगी रहिछन शिवानंद क्राइम ब्रांच रो तदंत केवल आईओएस ने तो देखंतु नीलिमा सीधासळख गोटे कथा कहीपरिया जेपरी भाव गजपति पुलिस तदंतर दिगहरा करितिबार अभियोग आसीतिला क्राइमब्रांच विरुद्ध में संगीन अभियोग आसान आम अर्गस माध्यम रे सारा राज्यवासी को देखाइलु किपर भाव क्राइमब्रांच घटनार तदंत करुची किपर भाव चापरे रोची जो कथा कि खुलमखुला भाव जी अच्छा क्राइमब्रांचर तदंतकारी अधिकारी ज्ञानरंजन मिश्र खुलमखुला प्रकाश करते जार अडियो सीधासलख भाइराल होता है गोटे कथा सी कौते कि आमको ऊपर स्तर निर्देश आसने आम तदंत करूँ अर्थात कौटिना कौटि क्राइमब्रांच रही सीधासलख बारी हो पड़ा अन्य पक्षे आज जो घटना कही मृत एसीएफ सौम्यरंजन महापात्र बापा अभिराम महापात्र तांकर कहिबा अनुसार पुलिस जेपरी भाव कार्य करूला क्राइमब्रांच सामान रास्त जाऊँ तेणु घटन न्याय मिलिया को हेले सीबीआई तदंतर आवश्यकता रही कारण आपत देखु ये घटना जो पदा को आसला सीधासलख राज्य सरकार पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर जी अच्छा दुई नंबर कैबिनेट मिनिस्टर विक्रम केशरी आरुख ना सीधासलख संप्रुक्ति थिबार अभियोग आसुची कारण जो डीएफओ थिले संग्राम केशरी बेहरा घंट गोड़ाउचंती मंत्री विक्रम केशरी बेहरा एवं आज जो अभियोग आसी गोटे कथा कहीपर कि काली जी थिले अभिराम महापात्र वकिल सीए सामान अभोग आनी कि पोस्टमार्टम पाखे एक प्रकार षड्यंत्र आज से ही कथा को अभोग कर अभिराम महापात्र जी कि विद्या भारती भिणई अच्छा सीए अच्छा कटक बड़ मेडिकल डाक्तर अर्थात से ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट रे एक प्रकार षड्यंत्र होइतिबा अभियोग करा जाउ जे तनु एटी कोठी ना कोठी आमे गोटे कथा कहि परबा कि ये प्रक्रिया पूरा गजपति रु प्लान हेइतिला एवं कटक रे एंड हेला पूर्वरु प्री प्लानिंग रहितला कारण देखो तो जो प्रश्न में उठौ छे कि निकटस्थ विशाखापट्टनम को काहे कि पठाना जे सुदूर कटक को पठा गला अर्थात ए लिंक रहउची विद्या भारती कर जे रहिछन भिणोई डॉक्टर तनु पोस्टमार्टम रिपोर्ट रे काले सतो बाहर जेबो तनु सेठी मध्ये कोनसी प्रकार घबलाती करियार योजना रहितला प्रथमरु देखंतु नीलिमा जो कथि कहते आपन निश्चिंत भावे जो कथा कि गजपति आरंभ होता मामला कटक रे शेष होता कारण आपन देखंतु जदि जड़े 95% पोड़ जाती गजपति विशाखापट्टनम हॉस्पिटल को नवापाई खूब कम समय लगी था किंतु डाक्तर सेठी को न पठाई जपरी भाव कटक बड़ मेडिकल को पठाई नहीं प्रश्न उठीला अन्य पक्ष देखा गले जड़े 95% पोड़ जा रोगी को चिकित्सा नक किपर भाव में मृत्युकालीन जमा जमानबंदी निया जत गोटे आईन रे रही व्यवस्था रही मृत्युकालीन जमानबंदी समय रे कई माने उपस्थित रही ना किंतु सेठे डीएफओ संग्राम केशरी बेहरा किपर उपस्थित रही सेठी उपस्थित रहा किए अधिकार देला निश्चिंत भाव ता बड़ प्रश्न सृष्टि करुच्च कारण आपत देखिथे जपरी भाव आज आम डीएफओ संग्राम केशरी महापात्र संग्राम केशरी बेहरा प्रतिक्रिया ने चेष्टा करूँ किंतु सीए केवल गोटे कथा कही चलुंज आपरे मोर कौन कहबार ना अर्थात प्रथम आप देखूँ जपरी भाव जड़े तलुआ कर्मचारी मृत्युवरण होधासलख संप्रुक्ति थार अभोग आसुच्चु सी जपरी भाव गणमाध्यम बयान रखुंत निश्चिंत भाव आ भितर कौटिना कौटि जे गोटे बड़ षड्यंत्र रही एड़ाई हम ना कारण ये जड़े मंत्री एवं जिलापाल तहसीलदार से उत्तर फुल आटीट्यूड भी रही सत्यजयंती से मानते किसी करना अर्थात मानते जो कौटना कौटी रिपेन्डांस छाड़ रिपेन्डांस क्या छाड़ सी तो तदंत पर ही जना पड़े कि पश्चाताप करेंगे कि न करेंगे कितु कम से कम निजर जो कर्मचारी डेथ हो घटना को नहीं बड़े इश्यू होती है इनवल्वमेंट रही है सीधासलख आंगुठी फुटू से पिस्थित जनकर बॉडी लैंग्वेज बयान कैर कि प्रकृत में सी कौन कर तेनाली कौटना कौटी बर्तमान संग्राम केशरी एवं भी प्रश्न घेर में तो आम सहित सीमुलिया रही हम प्रतिनिधि मनोज प्रधान रही मनोज से स्थिति कौन कारण देखते पर लोक तो बारंबार कहते कि भरोसा तुटी गला एकमात्र भरोसा से सीबीआई तदंत पर जेरा करा घर को क्राइमब्रांच आसला सौम्य घर को बापा माँ कहले कि माँ प्रश्न कले न्याय मिल तो कितु से क्षेत्र में चुप रही अधिकारी मैंने।
देखु नीलीमा आप जानते एस एफ समीर रंजन मूर्ति को पाखापाखि दुई मस बीतीगला कि एपर्यंत पर लोक न्याय पापार ना आप देखी थे घटनार परवर्त समय पर लोके अच्छा डीएफओ और विद्याभारती रुषिया नाँ से अभोग आनी पुलिस मामला रुजु करता कि पर लोके बारंबार दाबी कर जेहेतु डीएफओ उपरीत अधिकारी अच्छा प्रथम कार्य बहिष्कार कराऊ गिरफ कर पचराउचरा कराऊ कि एपर्यंत ना पुलिस मैसे तदन कर विफल है और क्राइम ब्रांच तदंत करती कितु पर लोक क्राइम ब्रांच पर भरोसा टोटल और सीबीआई तदंत दाबी कर आपन देखुए पूर्व विद्याभारती बयान देते डीएफओ को से जाणी ना कि कौन चिन्ह संपर्क ना कि आप देखुए आज जो जे तत्कालीन जगुआई थे रात जगुआई से कहते रात डीएफओ डीएफओ जाते समय रंजन घर को आप यू अनुमान करते जहाँ पर लोक अभियोग करते जेहेतु सी डीएफओ अच्छा चाकर अच्छा से बहिष्कार करदे तो अगर से स्टाफ अच्छा कि बहुत किसी जानते सामना को आसो तार एक उदाहरण आज मिलना आम सहित मिलवा अच्छा स्थानीय अंचलवासी अच्छा आसन तर प्रतिक्रिया ना से घटना के आज्ञा दुई मस पाखापाखि समय रंजन मूर्ति को कितु एपर्तंत पर लोक न्याय पाने आपने पुलिस तदन कर विफल और क्राइम ब्रांच तदन करुँच पर लोक अभियोग अनु क्राइम ब्रांच भरोसा ना देखते सर्वप्रथम अर्गस न्यूज चैनल को धन्यवाद अर्पण कर ये जो प्रश्न उठुची जो नवीन पंडा को मोर डायरेक्ट आज प्रश्न पचार अच्छे प्रश्न मोर जे क्राइम ब्रांच को नुहे ओडिशा पुलिस को नुहे यही नवीन पंडा का एसआईटी गठन करता परिकाशर रेजल्ट कौन आसला यही नवीन पंडा क्राइम ब्रांच टीम बसईला बेबिना इतिश्री छबिना झरा पोल आदित्य दास रेजल्ट किसी है नहीं कौन सी हालत में नवीन पंडा को सत्य उपस्थापन बाहर को करते नवीन पंडा को सत्य उपस्थापन बाहर को करते नवीन पंडा स्पष्ट भाव में आह्वान करुच्ची जन जन जनसाधारण हिसाब से खोला मंच तले मुझे आह्वान करुच्ची सौम्य महापात्र केस आमना सहन हाबक मुझे चाहूँ और सौम्य महापात्र हत्या होती मुझद उपस्थापन करी जब नवीन पंडा से सत्साहस अच्छी मंत्री सत्साहस अच्छे से आसिक कहते आत्महत्या बाकी रहा नवीन पंडा कौन से मतलब इच्छा शक्ति आंतरिकता ना और नवीन पंडा को ओडिशा रे ना इतिहास ना संस्कृति जना अच्छी मुझे इच्छा शक्ति गोटे छोटिया कथाटे कह आज मन पड़े बार वर्षर धर्मबोध को किए कही कोणार्क मंदिर चोरी मारे को तार इच्छा शक्ति थला आंतरिकता थला मो बारश बढ़े जीवन रक्षा करने से कोणार्क मंदिर चोरी मारी ठीक से मतलब बार वर्ष बाजी राउत जिते गाँव में खेल बयस किए कही इंग्रेज सरकार विरुद्ध आंदोलन करने तार इच्छा शक्ति थला आंतरिकता थला ठीक से मतलब ओडिशा माननीय मुख्यमंत्री को ना इच्छा शक्ति अच्छे ना आंतरिकता जो ये सत्यर सामना आसी पार ना कौन भावुचा सरकार आंतरिकता ना ओडिशा सरकार यही आंतरिकता ना ये ओडिशा सरकार गोटे महाभारत नवीन पंडा हूँ अंध धृतराष्ट्र पांड्या हूँ तार आम शकुन एवं कर्ण भूमिकार अवतीर्ण होते विक्रम आरु एवं महाभारत युद्ध में जहाँ परिणति था नवीन पंडा को आतंता दिन ताहे अबे साढ़े चार कोटी जनता जो राज सिंहासन आम बसईचु साढ़े चार कोटी जनता केमी राज रास्ते छिड़ा करमु यूजी खोला चैलेंज साधारण लोकों शिवानंद आपड़ निश्चित भाव में शुणुवे यूजी साधारण लोकों प्रतिक्रिया प्रश्न केवल आम उठाने वा ये प्रश्न केवल सौम्यों पर प्रश्न बर्तमान साधारण जनता उठेले कि जोटा से जाने अनुभव कर पार्टी आ भितर कौन हो घटनाक्रम कि सरकार सरकार और अनेपटे जो पुलिस अधिकारी तदंतकारी अधिकार रही कि कहते अलग कहानी देखंतु नीलिमा गोटे कथा सीधा सड़क कहीपर कि पर लोक क्षोभ ग्रामवासी क्षोभ गोटे कथा कहते घटनार जपरि भाव उच्चस्तरीय तदंत होवार आवश्यकता रही आम आज अर्गस महाखुलासा करूँ बिग एक्सपोज करूँ जपरि भाव जी रही डीएफओ संग्राम केशरी बेहरा किपर भाव से जंगली राज चल तार आम बिग एक्सपोज करूँ जी अच्छा पूर्वतन तर जी जगुआली थे और सुरक्षाकर्मी थे जी कि सी जो मत दे जो मंतव्य रखिंट प्रतिक्रिया रखिंट निश्चिंत भाव ये घटनार तदंत होवार आवश्यकता रही राज्य सरकार जो सर्वोच्च तदंतकारी संस्था रही क्राइम ब्रांच यहाँ गुरुतर सह ग्रहण करार आवश्यकता रही कारण से सीधा सड़क भावे कहते रात बारटू गोटाए भितर
डीएफओजी अच्छा संग्राम केशरी बेहरा से जो एसीएफ सौम्यरंजन महापात्र घर को जबार से देखी अर्थात कौटी ना कौटी ये जो षड्यंत्र जो परिवार लोकों पक्षर जो अभियोग करा कि जो अनैतिक संपर्क कथा एक प्रकार से मोहर लगी कहले किसी प्रकार कहीं क्राइम ब्रांच ए पर्यंत जो माने कहउचंती कि आमे जानिचु बा देखिचु एमान को साखी हिसाब से ग्रहण करनी बा एमान को काहे कि एमान को बयान को काहे कि रिकॉर्ड करनी सेटा भी तो गोटे बड़ प्रश्न जो माने जानिचंती बोली दाबी करचंती जो माने गोटे प्रमाण भी दउचंती घटना को नी निश्चित भाव नीलिमा देखो गोटे कथा कहुपर जिते बड़े क्राइम ब्रांच तदंत को नहीं प्रश्न उठू कारण तदंत जिते बड़े चलू से जी अच्छा आय जी कि तदंतर सर्वोच्चकर्ता कहले कि भूल हम ना सी ज्ञान मिश्र निजे कहते तदंत करने उपरू जब निर्देश आसब सी तदंत करेंगे अर्थात उपरू सी किए निर्देश दौर सी वर्तमान चर्चा अच्छी कारण सी गृह विभाग मुखिया होती कि डीजीपी होती कि क्राइम ब्रांच जी एडीजी अच्छा संजीव निर्देश तदंत चली कि जहाँ नहीं साधारण लोक प्रश्न उठाऊ कि गोटे कथा कहुपर जो कथा कहु कि विद्याभारती को जेरा करत घंटे 70 प्रश्न पचरा जा प्रश्नर जो रेकर्ड हो सीधासख क्राइम ब्रांच एडीजी पाखे रही वर्तमान से तार वर्तमान सी तर अनुधान करुच्चान से रिपोर्ट देवे तेणु ये गोटे कथा कहीपर कि जितेबाला बिवाद को आसूँ क्राइम ब्रांच जितेबाला बिवाद को आस गजपति पुलिस जितेबाला राज्य सरकार का सर्वोच्च तदंतकारी संस्था बिवाद को आसूँ से न्याय किए देव या को नहीं प्रश्न उठवा स्वाभाविक कथा कारण आपण भी देखिथे आज किपर भाव गजपतिवासी निज प्रतिक्रिया रखिंट प्रतिक्रिया केवल गोटे जगार नहीं प्रतिक्रिया बर्तमान सारा राज्य उठला प्रश्न सारा राज्य उठला कि प्रकृत में तदंत जो भाव में गति कर सौम्यों पर न्याय मिल तो यह संपर्क में आलोचना जारी रहा किंतु समय से एक छोट ब्रेक र सीधा सड़क जी आम से रही वरिष्ठ आईनजीवी विभूतिभूषण चौधरी रही तो चौधरी जितेबले घटना घटला तापर जितेबले गजपति पुलिस नेला तदंतभार हाथ को सेते बेल ठार जदि तदंत प्रक्रिया को आम अनुध्यान करवा कोर्ट ना कोर्ट शिथिलता प्रकाश पाइला जहाँ को नहीं असंतोष करते प्रकाश करते सौम्य परिवार जितेबले क्राइम ब्रांच को आसला मानने तदंतभार आसला ताकि अनेक समय पड़ जाइला जमीक मानने प्रश्न आपे आपे उठला कि ये समय तक पड़ेगा अर्थात जी रही मानने चक्रांत करी जो मैंने घटना को भिहबाप रचना करते से भरपूर सुजोग दिगला कि से जिते सब सुराक रही नष्ट एवं जो भाई प्रभाव में चली तदंत पुणी 8 दिन विलंब घटला तापरे पुणी थे चाप पड़ला तो आक्टिव को आसी क्राइम ब्रांच तेणु कोर्ट ना कोर्टी सब प्रकार परिस्थिति सृष्टि कर सुराक नष्ट कहीं जमी धरा न पड़ती तेणु ये प्रश्न उठू तदंत कौली भाव में चली न्याय मिल तो विलंब पछे कि न्याय मिल तो यहाँ एकमत संपूर्ण भाव में एक मास काल ऊर्ध समय पुलिस नष्ट कला एवं ठीक भाव दोषी मान पाखे पहुंची पारा ना एवं चारिकट जाक बुले आसी जो आरंभ करता से छाड़ा क्राइम ब्रांच जो इनिशियल स्टेज रे राज्य समस्त जनसाधारण जानते बहुत स्पीड इन्वेस्टिगेशन आगे ने पुणी कि बंद कर बसिले सो स्वाभाविक भाव में फैमिली लोक मैंने सौम्य जहाँ कहते हैं ठीक कहते जदि केन्द्रीय एजेन्सी द्वारा तदंत न हो जे अधिकारी निजे ही कि से क्वार्टर ही क्राइम प्लॉट एवं अनेपटे जब देखा आईओ जी रही है ज्ञान रंजन जी रही से मत कहते कि जोटा अनैतिक कार्य बेआईन कार्य कि डीएफओ प्रथम रु शेष जाए अर्थात मेडिकल थारु रेफर होगा पर्यंत से पूरा घटन रही है जोटि उपस्थिति संपूर्ण भाव में बेआईन तो ये सब गोटे गोटे छोट छोट बयान निहाती भाव में गुरुत्व रखुचे निश्चित भाव में देखो तो राज्य सरकार को बहुत बड़ मिस्टेक रही जो अधिकारी ना आसी डीएफओ हूँ बा जो अधिकारी जिला स्तरीय अधिकारी हूँ ताको तुरंत से बदली कर दबार थिला जोटा कि राज्य सरकार फेल मारिथिले ए भलिया काम करिवारे एवं एटा राज्य सरकार का विफलता ही आम कही परिवा जहाँ फल कौन है ना इन्वेस्टिगेशन ठीक भाव आगे पारा ना जदि अधिकारी रही है अधिकारी इनवल्वमेंट से रही पुलिस कौन बा कर आमर पुलिस व्यवस्था ए भलिया हो जाए सरकार चापरे कही परिवा अधिकारी चापरे आसी पुलिस ठीक काम करी पारुनी सो वर्तमान जहाँ जना पड़ी
ସରକାରଙ୍କର ଏ ବିଫଳତାର ଅନେକ କାହାଣୀ ରହି ରଚିବ ଯଦି ସରକାର ତୁରନ୍ତ ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ନ ହଟେଇବେ ସେଠାରୁ ଏବଂ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୋଲା ହାତ ନଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାମାନ୍ୟତମ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଏ। ଆପଣ ଯଦି ମନେଥିବ ଅଭୟ ପାଠକ କଥା ମନେଥିବ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଡିଫୋ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଅଭୟ ପାଠକ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ତଳସ୍ତର କର୍ମଚାରୀ ବି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏତେ ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟତମ ଆକ୍ସନ୍ ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବଦଳି ବି କରାଯାଇନି। କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ତାହେଲେ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ କଣ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେୟା ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ପାଠକ କଥା ଅଲଗା ଥିଲା, ସେ ରାଜନୈତିକ ଖେଳ ଖେଳର ଗୋଟେ ମଇଦାନ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ ସମୟଟା, ଆମେ ସେପଟକୁ ଯିବାନି, ସେପଟେ ଗଲେ ବହୁତ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଇଏ ପାୱାର କରିଡରରେ କିଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖେଳ ଅଛି, ଅଦରୱାଇଜ ଏ ଡିଏଫଓକୁ ବଦଳି କରିବାର ତୁରନ୍ତ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା। ନିହାତି ଭାବରେ ବଦଳି କରାଯାଇଥାନ୍ତା। ବଦଳି ତ ଦୂରର କଥା, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତ ଦୂରର କଥା, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦୋଷୀ କି ନାହିଁ ତା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳିମା, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଚୌଧୁରୀ ଯେଉଁ କଥା ରଖୁଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଲା ହାତ ରହିବା ଦରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପ୍ରତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେ ଏକ ଚାପ ରହୁଛି, ଏକଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଚୌଧୁରୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅଡ଼ିଓ ଖୁଲାସା କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଓରେ କି ସିଧାସଳଖ ଯିଏକି ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏଠି କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ସିଧାସଳଖ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ଯେପରି ଭାବେ କ୍ଷମତା ମିଳିବା କଥା, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଯେପରି ଭାବେ କ୍ଷମତା ମିଳିବା କଥା ତା ମିଳୁନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏକ ପ୍ରକାର ଚାପ ରହୁଛି। କାରଣ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଘଟଣା ଘଟିବା ଦିନଠାରୁ ବିବାଦକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିବାଦକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଥର ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲାଣି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯିଏକି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ପିଏସ୍ ଥିଲେ, ଯିଏକି 12 ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ରାତି ଅଧିଆ କେବିକେକୁ ବଦଳି କରାଗଲା, ଏକଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କଥା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଉଛି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୁରୁଣା ପିଏସ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ କଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ କଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କଥା ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା, ସଙ୍ଗୀନ ଘଟଣା ଆସୁଛି, ଏଇ ଘଟଣାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠିକି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ସେତିକି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତଦନ୍ତକୁ କିପରି ଭାବେ ନିରପେକ୍ଷ କରାଯିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବିବାଦକୁ ସିଧାସଳଖ ଆସୁଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ମୁଖିଆ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା, କାରଣ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥା ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର ଆଜି କହୁଛନ୍ତି କି ଗଜପତି ପୋଲିସ ଯାଇଥିଲେ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ, ପତରଖିଆ ଖାସି ମାଂସ ଖାଇକି ଫେରିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଯିଏ ଗଲେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସେମାନେ ମୁଢ଼ି ମାଂସ ଖାଇପାରିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଯେ ତାଙ୍କର ଭରସା ନାହିଁ ସିଧାସଳଖ ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ଏବଂ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଯେଉଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ, ତ ଦେଖିବାର କଥା କି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଏ ଘଟଣାର କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବା ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ, ନା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଯେଉଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ, ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ସେଥିରେ କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଶିବାନନ୍ଦ, ଆମ ସହିତ ରହିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଚୌଧୁରୀ, ସୀତା ଚୌଧୁରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ, ମନୋଜ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।